नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो 613 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की है जो हरियाणा की A+ यूनिवर्सिटी से कोर्स करने के बाद और मेरिट में आने के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तब तक नहीं उठना जब तक सीएम साहब हमसे आकर के या हमारे डेलीगेशन से वहाँ जाकर के बात ना करें। कोशिश यही रहेगी कि वो खुद बुलाने आए या खुद आए, जैसा भी होगा तो मतलब उठना नहीं है किसी ने, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। अब हम यहाँ से मार्च निकालते हुए धरना स्थल तक जाएंगे। बीच में हम दो चार अपने नारे लगा सकते हैं। इस सरकार से अपील है, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी वालों को ज्वाइनिंग दो। और अपना जो सकारात्मक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। दो तीन नारे हैं, मैं बापू की जोड़ी बोलते रहे, साथ साथ आपको बाकी सुखदेव जी वैसे तो सर ने बताई दिया है। इसमें क्या है कि मेन मोटिव हमारा ये है कि सरकार के पास अपनी बात पहुँचानी, जो बात हम रिक्वेस्ट कर रहे थे अलग अलग दफ्तरों में जाके, चेयर हाउस जाके, किसी भी अधिकारी के पास जाके, वो बात को अपील ये सामूहिक तौर पे हम कर रहे हैं। और अगर सरकार से हमारी बात ना हुई, डेलीगेशन की बात ना हो पाई या कोई ऐसी बात हो, तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उस समय तक आपने कुर्सी साथ मिले वहाँ से। किस्मत की बात देखिए, इन 613 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो 11 साल तक हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में कार्य कर चुके हैं, फिर भी उनको अपनी ज्वाइनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले 1.5 साल से अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, इनमें मैं भी शामिल हूँ। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ऑफिस पंचकुला की तरफ जाते हुए से
यात्रा के कैंडिडेट को जॉइनिंग दो, मेरिट में आए कैंडिडेट को जॉइनिंग दो, आवाज दो एक, आवाज दो एक, मेरिट वाले कैंडिडेट को जॉइनिंग दो, मेरिट वाले कैंडिडेट को जॉइनिंग दो, आवाज दो हमें एक है, एक है, आवाज दो हमें एक है, एक है, एक है, पुरकेतर वालों को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, पुरकेतर इंडस्ट्री को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमें ज्वाइनिंग चाहिए, हम सब एक हैं, एक है, एक है, 613 को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, 613 को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, पुरक्षेत्र को बहाल खुले खुले लो बने दिखेंगे ट्रैक की 613
देखो है सरकारी पे है सस्पेंड करते हैं उन्हें। हाँ joining go
joining go, joining go. Joining go, joining go. Mane karo, mane karo. Mane karo, mane karo. मन करो मन करो हमें है जिंदाबाद जॉइनिंग को आवाज दो हमें है आवाज दो हमें है मेरिट वालों को जॉइनिंग को मेरिट वालों को जॉइनिंग को मेरिट वालों को जॉइनिंग को शिक्षा विभाग जिंदाबाद शिक्षा विभाग जिंदाबाद कुरुक्षेत्र के मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो हम सब एक हैं हम सब एक हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो मेरिट वाले कुरुक्षेत्र कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र को मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मान्य करो मान्य करो मान्य करो 613 को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो 613 को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो 613 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो 613 कला अध्यापक को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो कुरुक्षेत्र के मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो कुरुक्षेत्र के मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मान्य करो मान्य करो मान्य करो हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो आवाज दो आवाज दो हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कैंडिडेट मान्य करो मान्य करो मान्य करो हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो मान्य करो मान्य करो आवाज दो आवाज दो हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो ज्वाइनिंग दो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मान्य करो मान्य करो मान्य करो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मान्य करो मान्य करो मान्य करो हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद शिक्षा विभाग जिंदाबाद शिक्षा विभाग जिंदाबाद शिक्षा विभाग जिंदाबाद शिक्षा विभाग
जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार, जिंदाबाद। कुरुक्षेत्र के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। कुरुक्षेत्र के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो, मान्य करो, मान्य करो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मान्य करो, मान्य करो, मान्य करो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार, जिंदाबाद। शिक्षा सदन, जिंदाबाद। शिक्षा सदन, जिंदाबाद। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ज्वाइनिंग दो। तो हमारे पास मजबूत स्थिति है और इस मजबूत स्थिति को अगर हम पहले थोड़ा प्रयास करते तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पहले ही हो जाना था। आज आप यहाँ पहुँचे, जो बात हम चाहते हैं वो हमारी बात हो चुकी, वजह से हमारी जो बात है, जो हम लगातार प्रोसेस में चल रहे थे, वो बात हम जो कहना चाहते थे और जो मनवाना चाहते थे वो बात वहाँ तक पहुँच गई है और हमें हमारे प्लस में है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ऑफिस पंचकुला से सीएम हाउस चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए नानू तो मैं देंगे। कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। मेरिट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो।
क्षेत्र के कैंडिडेट को जोड़ की टक्कर में टक्कर में मेरिट वाले कैंडिडेट को मेरिट वाले कैंडिडेट को हम सब एक हैं। मेरिट वालों को ज्वाइनिंग दो क्षेत्र यूनिवर्सिटी को ज्वाइनिंग दो क्षेत्र यूनिवर्सिटी को ज्वाइनिंग दो मेरिट वालों को ज्वाइनिंग दो मेरिट वालों को ज्वाइनिंग दो हम सब एक हैं। क्षेत्र यूनिवर्सिटी एक है मेरिट वालों को ज्वाइनिंग दो मेरिट वालों को ज्वाइनिंग दो हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। क्षेत्र यूनिवर्सिटी के 613 कैंडिडेट को सिलेक्टेड कैंडिडेट को क्षेत्र के 613 कैंडिडेट को बोलते रहो क्षेत्र के सिलेक्टेड कैंडिडेट को क्षेत्र के 613 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो क्षेत्र के 613 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। क्षेत्र को बाल करो क्षेत्र को बाल करो आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। क्षेत्र के डिप्लोमे को मान्य करो क्षेत्र के डिप्लोमे को मान्य करो मेंबर सरकार संघर्ष में सरकार हमारा साथ दे साथ दे साथ दे कई के संघर्ष में सरकार हमारा साथ दे साथ दे साथ दे कई के संघर्ष में सरकार हमारा साथ दे साथ दे साथ दे जोर जुम की टक्कर में जोर जुम की टक्कर में जोर जुम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कई के एकता जिंदाबाद कई के एकता जिंदाबाद कई के एकता सारे जा रहे वहां क्षेत्र यूनिवर्सिटी जिंदाबाद जिंदाबाद एक बस नहीं आ रही है पकड़ने खातर इन्हें।
सात से आठ किलोमीटर पैदल चलने के बाद चंडीगढ़ में एंट्री करने से पहले ही रोक लिया गया। ईमानदार है और ईमानदारी के अंदर अगर पढ़े लिखे युवाओं को कुरुक्षेत्रा के डिप्लोमे को मान्यता देगी तो वह प्रदेश सरकार देगी। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी साथी बिल्कुल जिज्ञासा और बिना किसी संकोच के यही बैठे रहेंगे और हम जब तक मुख्यमंत्री जी से बात करके नहीं आते आपको वेट करना पड़ेगा। यही साथियों एक बार इस यूनिटी के लिए एक नारा लगाएंगे, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी हमारी एकता, हमारा भाईचारा। देखो मंजिल दूर भी है, बहुत नजदीक है। डेलीगेशन के नाम लिख दिए हैं और बहुत जल्द ही मुलाकात होगी, पर बैठना पड़ेगा। टाइम फिक्स नहीं है, टाइम कोई फिक्स नहीं है। एक घंटा, दो घंटा, चार घंटे, पाँच घंटे, ग्यारह बारह, जो भी आगे टाइम तक भी ठीक है। बैठे रहो तो आज ये गारंटी है, आज बैठे रहे तो कुछ लेकर जाओगे। हरियाणा सरकार में आदरणीय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी स्टेट की नंबर वन यूनिवर्सिटी है और हमारे मुख्यमंत्री जी वहीं से जापानी स्टेट कर रहे हैं। तो साथियों उनको हमारी विडम्बना का बिल्कुल भूल जाती है, वो जानते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि ईमानदार सरकार है और वास्तव में हमारे लिए काम करेगी और हमें उम्मीद भी है और कर भी रही है।
तो इस कुरुक्षेत्रा डिप्लोमे को मान्यता देंगे। लेने के बाद मेरिट में आने के बाद ज्वाइनिंग नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इक्विवेलेंसी तय करना, जो है डिटरमाइन करना। जैसे ये जो कोर्स था पहले आईटीआई डिपार्टमेंट में करवा रहा था, आईटीआई डिपार्टमेंट के साथ साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी शुरू कर दिया, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ये परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। यूनिवर्सिटी तो अब ये कह रहे हैं कि परमिशन नहीं ली, अब बाद में पता किया तो इनने कहा कि परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। खुद डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी को, किसी भी यूनिवर्सिटी को, स्टेट के चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट से या आईटीआई से कोई भी कोर्स करवाने के लिए मान्यता लेने की आवश्यकता होती भी नहीं, ये अब लिख के दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया कि इन्होंने मान्यता नहीं ली और इसको हम वैलिड नहीं मानते। अब वैकेंसी निकलने के बाद उसमें था कि 2 साल का डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट आईटीआई से या इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइजेशन रिलेटेड बाय एजुकेशन बोर्ड 2006 में निकली थी। हाँ जी, 2006 में निकलने के बाद 2003 में कोर्स करवा दिया, 5 में पास आउट हो गए, 6 में वैकेंसी निकल गई। वैकेंसी निकलने के बाद ये जो था 4 महीने बाद वही वैकेंसी है, वही मामला है। 2006 के बाद 12/6 को एक लेटर जारी कर दिया कि आईटीआई के डिप्लोमा के अलावा हम किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी डिप्लोमा डिग्री को किसी को भी नहीं मानते। हम चले गए माननीय हाईकोर्ट की शरण में, माननीय हाईकोर्ट ने हमारे फैसले पर मोर लगा दी कि भाई यूनिवर्सिटी ने जो कोर्स करवाया ड्राइंग टीचर कोर्स है, और हमें 11 साल तक ज्वाइनिंग करवा दिया था 2010 में ज्वाइनिंग करवा दिया, 11 साल सर्विस भी कर लिया हमने ड्राइंग टीचर की पोस्ट पर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर ही इसी डिप्लोमा के बेस पे। फिर इन्होंने क्या किया कि कहा कि हम पिछली सरकार ने 2010 में रिटर्न टेस्ट नहीं लिया, इंटरव्यू के बेस पर लगा दिए ये, तो रिटर्न टेस्ट ले लिया। अब दोबारा रिटर्न टेस्ट लेने के बाद हम 816 में थे, 668 कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट में मेरिट होल्डर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनकी ज्वाइनिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अब ये जो है इनकी ज्वाइनिंग इस बात पर रोक दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इक्विवेलेंसी का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट जाने, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किया कि ये काम किसी भी कोर्ट का नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट जाने और जो यूनिवर्सिटी है वो जाने, वो बताए। अब माननीय यूनिवर्सिटी जो है के उसने इसकी समकक्षता पर इक्विवेलेंसी पर मोहर लगा दी। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट दिखाना है कि भाई के जो डिप्लोमा धारक है उन्होंने संघर्ष करके नौकरी ली है, वैसे किसी पे आरोप का पत्ता रोक करके नहीं है। आप ऐसे कर से बिल्कुल कामयाब हो गया और सुबह से जो आपको लग रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हो, और दो चार करो।
थी। ना 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 बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ सही बात आपकी बिल्कुल हाँ पॉजिटिव रहा जी वो बता देगा आपको जी बाद मुक गई आपने यहाँ दिखाई है और जैसे भाईचारे का संदेश यहाँ दिया है। एक तो जैसे हमारी डेट आ जाएगी एक ऐसा ही परिचय हमें एक बार और देना है। इसके बीच में आपको सचिन जी बता भी देंगे एक दो दिन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी हमें इसी तरह इकट्ठा होना है सभी ने। और और साथियों से अनुरोध है मीडिया से अन्य बातों से फालतू की बातों से दूर रहें। बेमतलब की बात या बेफिजूल बयान कोई भी किसी तरह का साथी मीडिया में ना दें। बाकी आगे की रणनीति सचिन जी बताएंगे। केयू की एकता जिंदाबाद एक है। साथियों जिस हिसाब से चनन जी ने बताया बात बिल्कुल वही है। किसी को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जहां पर मुलाकात होनी थी जैसी बात होनी थी वैसी हो चुकी है। अपनी तरफ से किसी को भी पुराने बंदे को मैसेज कर दिया जी इधर सीएम से मिल दिए सीएम हाउस में मिल दिए पुराने कुछ नहीं कहने की जरूरत है भाई। कहीं नहीं मिले कहीं नहीं गए आने वाली ठंड में रात के 9 बजे तक इंतजार करने के बाद वापस अपने घर की तरफ जाते हुए गया नहीं फरीदाबाद और मेरा साथ साथ हुआ था जी। एक ही दिन ज्वाइन करा था हमने एक ही साइड ज्वाइन करा था। हाँ जी और ना 11 साल के स्कूल में रही है मैडम। मैं 11 साल के स्कूल में रही हूँ सर। सोनीपुर सोनीपुर से आप ये पता नहीं जी हमको आपके कहाँ से सोनीपुर चल पर बाबू जावा के कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा में भी कुलपति से मिलने के लिए प्रोटेस्ट करते हुए Thank
आईटीआई ने कोर्स करवाया मुख्यमंत्री को, मैं सारा इंस्पेक्शन किया रिकॉर्ड आईटीआई का, उसमें बार बार मुख्यमंत्री को लेटर लिखा आईटीआई डायरेक्टर ने, अपने यूनिवर्सिटी ने लिखा है सीएम साहब को लेटर, क्यों नहीं लिखा भाई? आईटीआई का मैंने इंस्पेक्शन किया रिकॉर्ड का बार बार लिखा है आईटीआई ने सीएम को, यूनिवर्सिटी गलत चला रही है वो नहीं लगने, गलत चला रही है वो नहीं लगने, क्यों भाई? यूनिवर्सिटी बड़ी है आईटीआई बड़ी है? अरे यूनिवर्सिटी तो इंटरनेशनल है। और दूसरी बात यह, 27/11 को मीटिंग थी तो 11/3 को लेटर मिल गया, लेटर के अंदर एक एजेंडा जोड़ रखा था पीछे, वो हाईकोर्ट में भी दिखा रहा है कहीं, उसमें ये लिख रखा था यूनिवर्सिटी अगर नहीं जाएगी तो कोर्ट केस हो गया, और वो कोर्ट केस होगा मतलब क्या होगी, वो यूनिवर्सिटी का मामला है, यूनिवर्सिटी को वाली होगी, वो यूनिवर्सिटी जाने इसलिए आओ राय पाने के लिए बुला रहे हैं, बात करेंगे, राय पाने के लिए बुलाया था वो एजेंडा पढ़िया नहीं आपने, भी नहीं पढ़िया, हाईकोर्ट में नहीं लगाया, एजेंडा में साफ लिखा है यूनिवर्सिटी आए बात करे, ये कोर्ट आप चला रहे हैं शिक्षा विभाग से मेरे से परमिशन ले ली, लेकिन परमिशन लेने की हमारे डायरेक्टर साहब ने मीटिंग में बता दिया था नो नीड, परमिशन की जरूरत नहीं आईटीआई से भी शिक्षा विभाग से भी, जब हमने आईटीआई लगाई शिक्षा विभाग से तो शिक्षा विभाग ने भी लिखकर दिया, मैंने कहा कि यह सर लेटर और सर्कुलर जारी करके उसकी अटेस्टेड कॉपी दी जाए जिसमें यह लिखा है यूनिवर्सिटी को कोर्ट करवाने के लिए और शिक्षा विभाग की आईटीआई की मान्यता भी होता है, तो शिक्षा विभाग ने कहा ऐसा कोई लेटर नहीं है, लेटर में लिखा है कि ऐसा कोई लेटर शिक्षा विभाग में आईटीआई में है ही नहीं, यूनिवर्सिटी को परमिशन लेने की आवश्यकता हो, फिर ये बात कोर्ट में कह देते हैं कि यूनिवर्सिटी ने परमिशन नहीं ली, फिर कैसे नहीं ली, चलो है ही नहीं, ये रूल ही नहीं, कोई लेटर जारी आज तक नहीं हुआ है कि यूनिवर्सिटी को परमिशन लेने की जरूरत है, फिर सब कोर्ट पूरे यूनिवर्सिटी में मान्य है यूनिवर्सिटी के, तो ये एकमात्र एक ऐसा कोर्स जो है भाई इसको ज्वाइनिंग नहीं दे रही, ये यूनिवर्सिटी जो है शिक्षा विभाग के डीएसपी से सीएम से ये लेटर जारी करें, फोन होने के लिए बात करें, लेटर अरे और एक पत्ती हमें थे सब हम यहाँ से लिखेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर ही जानते
तोली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तोली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, करेंगे जीतेंगे जीतेंगे, आज दो अमेर है आज दो अमेर है, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, खेल की एकता जिंदाबाद, खेल की एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जगाधरी अनाज मंडी में दिन और रात का कपकपाती ठंड में कई महीनों तक धरना दिया, जिसमें कई साथियों की स्थिति काफी गंभीर भी हो गई थी।
advertised posts were 816. 144 people were originally appointed. Yes. Then after that, 125 got appointed, which are my friend's clients as per the High Court order. Who were represented? Yes, the lower in merit people. And we are 400, about 450, which are higher in merit. Now, if all three add up. How many? 450. So about 100 vacancies originally advertised will still remain even if everyone is appointed. Almost, yes, you're right. Yes. In this arrangement, you will not be affected? That I will find out, my lord. I'll calculate. I think I will be affected, my lord, because my ranking is lower than this Kurukshetra Institute. And if they are recruited, I will certainly go out, my lord. Your lordship can record my concession that if we are recruited today, we will not claim rank. Yes, lord. You file an additional affidavit indicating how all of them can be adjusted. Great. We will pass that order. We will say this will not act as a precedent in future. And one more thing, we will have an undertaking on everybody that they will not raise a seniority dispute. Yes. And the seniority would be as per appointment given to them. Date of appointment. Absolutely. From absolutely. Absolutely. I'll get that. That solves the issue. Yes, sir. सचिन का आ जाना यार अभी यहाँ जाए यहाँ यहाँ अरे यहाँ जा अरे एक मिनट भाई सब जरा थोड़ा क्लोज लिया बोल देना पिछले 16 सालों से लंबित भर्ती 2006 में शुरू हुई थी और 2023 में पूरी होने जा रही है और लगभग 16 सालों से जो कुरुक्षेत्रा परिवार के लोग थे वो कोर्ट के अंदर ही जो है प्रताड़ना का शिकार थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक आज जो हीरिंग हुई है उसमें इन लोगों को इंसाफ मिला है। कुरुक्षेत्रा परिवार के 668 कैंडिडेट हैं जिनको जो है वो एक न्याय मिला है। माननीय देश की सबसे सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस पिछले 13 सालों से लंबित था लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज इन कुरुक्षेत्रा परिवार के सभी डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति मिलने का जो रास्ता है वो साफ हुआ है और कुरुक्षेत्रा परिवार के 668 कैंडिडेट हैं वो नियुक्ति उनको मिलेगी और 3 दिन के अंदर समय ले लिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार को हलफनामा दर्ज करना है और हलफनामा दे के जो है इनकी नियुक्ति का लेटर जारी होगा। तो मैं इस कुरुक्षेत्रा परिवार के 668 कैंडिडेटों को और कुरुक्षेत्रा के डिप्लोमा धारकों को बधाई देता हूं और इसके साथ साथ लिख दिया जीत गया भाई 2021 while making appointments to these available notified vacancies without disturbing the appointments already made or the seniority of such appointees irrespective of whether or not such appointees found mention in the selection list dated 14/11/2021 and if they did their merit ranking therein. This is because the review petitioners and others identically situated are now being accommodated and appointed despite the long lapse of time since the inception of this recruitment process and more particularly as those who were appointed have already put in significant length of regular service prior to the belated entry of the new appointees into regular service at this table.
The entire exercise pursuant to this judgment shall be completed by the authorities concerned expeditiously and in any event not later than 2 months from the date of the receipt of a copy of this judgment. Review petitions are disposed of accordingly. So far as the implied applications are concerned, we have ordered all the implied applications filed by those who are similarly situated to the review petitioners, and we have dismissed the applications. The applications filed by those who participated in the selection examination but did not figure in the selection list dated 14/11/2021 by concluding that they cannot now seek to be placed on par with those who were either selected or waitlisted therein. They would therefore not be entitled to intervene in the review petitions and seek relief, be it by asking for relaxation or reduction of the pass marks in the selection examination or interview. Those candidates who filed implied applications who were appointed after the disposal of the SLP pursuant to the order of the Punjab and Haryana High Court, those appointments are now protected in the light of the fact that those 178 appointees are being treated as distinct and separate. So their implied applications have been allowed. Grateful. With your lordships, please may I mention, Millards, a fresh application, Millards. It's an MA, Millards, and disposed of matter where your lordships, Millards, concerning a public charitable trust, requested the High Court to appoint a interim administrator, Millards. Whereas I appear for the trustee, Millards, Shiv Kumar Jatia. सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक है. इस संघर्ष को मैं बताने के लिए दो लाइनों का प्रयोग करूंगा, वो सुने उसके बाद आपको आगे क्या बताते हैं. हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, अब नौकरी करेंगे बड़े ही कमाल के. तो साथियों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस परमपिता परमात्मा का जिसने हमें यह संघर्ष करने की प्रेरणा दी, शक्ति दी और आज हमें जीत भी दिलाई. फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज सिद्ध कर दिया कि वो न्याय को सबसे ऊपर रखता है और जब न्याय की बात आती है तो वो अपनी जजमेंट को भी बदलने के लिए तैयार हो जाता है. और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे तथ्यों को जाना और उसने ये भी देखा कि ये अन्याय हुआ था, इसलिए आज जजमेंट की जाँच करते हुए उसमें जो दिक्कत थी उसको दूर करते हुए आज हमें पूर्ण न्याय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद. उसके आगे हम धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे माननीय हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सीएम ऑफिस के अफसरों का और डीएससी के अफसरों का, जिन्होंने इस लड़ाई में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा लड़ाई में हमारा पूरा सहयोग किया और माननीय मुख्यमंत्री और उनके अफसरों ने 667 परिवारों के बारे में सोचा, उनकी रोजी रोटी के बारे में सोचा, उनके साथ अन्याय ना हो इस पर पूरा मंथन करते हुए सरकार ने हमारा पूरा सहयोग करते हुए अब हमें आज अपॉइंटमेंट कराने के लिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में हेल्प की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि वो हमारा आगे का सफ़र भी जल्दी पूरा कराएं ताकि जो बच्चे इतने समय से परेशान हो रहे हैं उन्हें राहत मिल सके. और उसके बाद जरूर धन्यवाद करेंगे हमारी टीम का, जिसमें लीगल टीम हो, फाइनेंशियल टीम हो या हमारे अन्य साथी हो, इन्होंने दिन रात मेहनत की है और इसमें किसी का भी ऐसा नहीं है किसी का रोल कम हो, चाहे वो सचिन जी हो, चाहे वो चैनन जी हो, चाहे वो बीता मैडम हो, संदीप करनाल जी हो, कुलदीप जी हो और भी मेरे साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, सबका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है. किसी ने फाइनेंशियली जुटाया है, किसी ने पोलिटिकल हेल्प की है, किसी ने अफसरों से हाथ पैर जोड़े हैं, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति का काम. तो इसलिए इन सब के सहयोग से ही ये असंभव हो पाया है.
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा जजमेंट के बारे में बता देता हूँ। जजमेंट में क्लियर जो बेसिक लाइन है वो लिखा है, देयर इज नो हिंड्रेंस टू अपॉइंट द रिव्यू पिटिशनर। उन्होंने कहा हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि इन तथ्यों को देखते हुए इनको अपॉइंट करने में, रिव्यू पिटिशनर को अपॉइंट करने में कोई रुकावट नहीं पाई गई, इसलिए इनको अपॉइंट किया जाए। और दो महीने के अंदर एक्सपेडिशियस वर्ड यूज किया है कि दो महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाए। इसको ऐसे ना समझा जाए कि दो महीने का देनी है, उन्होंने कंप्लीट करना है। 14-11 मेरिट के जो बच्चे हैं वो सारे अंदर आएंगे और अन्य तथ्य भी हम पूरा अध्ययन करके आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। अब हमारे चंदन जी भी दो शब्द कहेंगे। सभी साथियों को इस ऐतिहासिक जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि इन हजारों परिवारों के साथ न्याय किया, जो दो साल तक हम सभी साथियों ने संघर्ष किया, हर एक साथी ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया, हर तरीके से संगठन में सहयोग किया, और जो ये आज ऐतिहासिक जीत है इसका हर एक साथी इसको पूरा आनंद लें, इंजॉय करें। आज हमें दो साल की मेहनत का परिणाम मिला है और इसके साथ साथ हम हरियाणा सरकार का और हर एक नुमाइंदे का जिसने हमारी हर तरीके से मदद की, और हरियाणा सरकार के साथ साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे कप्तान मीनू बेनीवाल जी का भी, जिन्होंने हमें हर संभव हर तरीके से जब भी सहयोग की जरूरत पड़ी सहयोग किया। तो इस ऐतिहासिक जीत को सभी 668 परिवारों को बहुत बहुत बधाई, इस जीत का पूरा आनंद उठाएं और जल्द ही सभी साथियों की ज्वाइनिंग होगी और हम इस प्रोसेस के बाद सरकार से जो भी कार्रवाई करनी है सरकार से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है और जितनी जल्द हमारी अपॉइंटमेंट हो सके सभी साथियों की जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट करवाई जाएगी। सभी साथियों को एक बार पुनः पूरे KUK के 667 परिवारों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं और सभी का भविष्य उज्ज्वल हो, सभी का उज्ज्वल भविष्य हो। जय श्री श्याम, जय वीर बजरंगबली। ढाई साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार हम कलाद आपको की स्कूलों में ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस समय में हमने काफ़ी सुख और दुख देखे, यह समय हमें अपने जीवन में हमेशा याद रहेगा। और आखिरकार कहते हैं अंत भला तो सब भला।